सना रईस खान एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल लॉयर है और फिलहाल वो कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में धमाल मचा रही है। शुरुआत में बिग बॉस जैसे शो में पेशे से वकील सना रईस खान की एंट्री पर दर्शक थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उनसे जुड़े कंट्रोवर्सी से बहुत ज्यादा लोग रूबरू नहीं थे। सना रईस खान मुख्य रूप से मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही केस लड़ती है। हम अपनी नई कहानी में सना रईस खान की लाइफ स्टोरी के बारे में विस्तार से जानेंगे और उनसे जुड़े कंट्रोवर्सीज की भी बात करेंगे, जिसकी वजह से बिग बॉस के मेकर्स ने उन्हें इस पॉपुलर रियलिटी शो में शामिल किया है। सना रईस खान की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सना रईस खान का जन्म 28 सितंबर 1985 को मुंबई में हुआ था। इनका जोडियक साइन लिब्रा है। सना रईस खान के पिता का नाम रईस खान है और वह भी एक वकील है। सना के माँ का नाम जुमैमा रईस खान है। हालांकि इनके परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सना रईस खान ने मुंबई विश्वविद्यालय से पहले ग्रेजुएशन किया और फिर LLB की डिग्री पूरी की। फिर मुंबई विश्वविद्यालय से ही साल 2019 में LLM की डिग्री हासिल की। सना कानून को बेहतर जानने और समझने के लिए जानी जाती है। कंट्रोवर्शियल केस इंद्राणी मुखर्जी और एविन साहू जैसे हाई प्रोफाइल मामले उसने कोर्ट में बचाव किया है। सना रईस खान मुंबई के एक क्रिमिनल लॉयर है जो बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है। सना खान का सबसे बड़ा लिंक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग केस से है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सना रईस खान अविन साहू की वकील थी। आपको बता दें कि आर्यन खान और अविन साहू एक ही क्रूज पार्टी से गिरफ्तार किए गए थे। आर्यन खान को साल 2021 में मुंबई की एक क्रूज पार्टी से 6 लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें अविन साहू भी शामिल थे, जिन्हें इस केस में सबसे पहले बेल मिली थी। कोर्ट में सना ने दावा किया था कि जब अविन साहू और आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, तब उनके पास कोई ड्रग्स नहीं था। सना अपने इस दावे के साथ अविन साहू को बेल दिलाने में कामयाब हुई थी और बाद में ये पॉइंट आर्यन खान के वकील ने भी इस्तेमाल किया था और आर्यन खान को बेल मिली थी। क्रिमिनल लॉयर सना रईस खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। इंस्टाग्राम पर उनके 150 के से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बिग बॉस सीजन 17 के घर में सना रईस खान की उपस्थिति कोर्ट रूम से रियलिटी शो के मंच तक एक अद्वितीय परिवर्तन का प्रतीक है। अपने इंस्टाग्राम पर सना नियमित रूप से अपनी उपलब्धियों की समाचार क्लिपिंग साझा करती है। साथ ही इन्हें ट्रेवलिंग का भी बहुत शौक है, इसलिए आप इनके ट्रेवल से जुड़े वीडियोज और फोटोज भी यहाँ पर देख सकते हैं। सना रईस खान ने कुख्यात सीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी के वकील के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें, इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने उनकी बेटी सीना बोरा की कथित हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा CBI ने इंद्राणी के खिलाफ कई आरोप दायर किए, जिनमें हत्या, आपराधिक साजिश, सबूतों को गायब करना, अपहरण, धोखाधड़ी और जालसाजी और साजिश शामिल है। इस मामले में बिग बॉस के सीजन 17 के प्रतियोगी सना की भागीदारी ने जटिल और उच्च जोखिम वाली कानूनी कार्रवाई को नेविगेट करने की उनकी क्षमता को भी लाइमलाइट में लाया है। क्रिमिनल लॉयर और बिग बॉस 17 की प्रतियोगी सना रईस खान कथित तौर पर कानूनी मुसीबत में भी फंसी है, जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने कथित तौर पर प्रचार पाने के लिए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम का इस्तेमाल करने के लिए सना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सना को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। हालांकि फैजान के दावों के मुताबिक सना कभी शाहरुख के बेटे से नहीं मिली। कथित तौर पर फैजान ने हाल ही में एक मीडिया बातचीत में दावा किया कि सना ने कुख्यात मामले में आर्यन का नहीं बल्कि एक अन्य व्यक्ति अविन साहू का प्रतिनिधित्व किया था। फैजान के मुताबिक सना लोकप्रियता के लिए आर्यन खान के नाम का इस्तेमाल कर रही है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक फैजान ने कहा कि सना भले ही खुद को क्रिमिनल वकील कहती हो, लेकिन वह खुद एक धोखेबाज है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक फैजान सना के खिलाफ केस मुंबई कमिश्नर के पास ले गए हैं, क्योंकि कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिन पहले वकील आशुतोष दुबे ने सना रईस खान के रियलिटी शो में हिस्सा लेने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है कि वकील सना रईस खान ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया है, जो बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन है। बार काउंसिल के नियम 37 से 52 के अनुसार अधिवक्ताओं को इनकम के लिए किसी अन्य रोजगार में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(c) अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को
अन्य क्षेत्रों में पूर्णकालिक रोजगार करने से प्रतिबंधित करती है। सनाराइज खान की कुल संपत्ति फिलहाल 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। वो अपने खाली समय में यात्रा करना, साइकिल चलाना और स्विमिंग करना पसंद करती है। फिलहाल सनाराइज खान बिग बॉस के घर में अपनी दमदार उपस्थिति बनाए हुए है। हालांकि हर सप्ताह वो घर से निकाले जाने को लेकर नॉमिनेट होती आई है, लेकिन वो हर बार घर से बाहर निकलने से बच जाती है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि अपने बहस से कोर्ट रूम में दबदबा रखने वाली बिग बॉस के घर में कैसा परफॉर्म करती है सनाराइज खान। सनाराइज खान की कहानी में बस इतना ही। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल स्टोरी फॉर लाइफ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टोरी फॉर लाइफ को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।